शुक्रवार की दोपहर भदोही जिले के कोरोना थाना क्षेत्र के कालिका नगर निवासी एक अमीन को प्रयागराज जिले के सराय ममरे थाना क्षेत्र में बदमाशों ने गोली मारी है। बाइक सवार तीन बदमाशों ने राजस्व कर की वसूली करने जा रहे अमीन को गोली मारी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से घायल अमीन को हड़िया सीएससी पहुंचाया है, जहां चिकित्सकों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। अब तस्वीरों में देख सकते हैं घटनास्थल पर भारी भीड़ जुटी हुई है। दिन दहाड़े बदमाशों ने दुस्साहस का परिचय देते हुए हड़िया तहसील पर तैनात अमीन को गोली मारी है। बताया जाता है कि भदोही जिले के कोरोना थाना क्षेत्र के कालिका नगर निवासी 24 वर्षीय रमाकांत सरोज पुत्र रामदीन सरोज प्रयागराज जिले के हड़िया तहसील पर अमीन के रूप में तैनाती मिली है। घटना के बारे में मिली जानकारी के मुताबिक शुक्रवार की दोपहर करीब 12 बजे अमीन रमाकांत सरोज राजस्व कर की वसूली करने के लिए प्रयागराज जिले के सराय ममरे थाना क्षेत्र के मर्रो गाँव में जा रहे थे। बताया जा रहा है कि जैसे ही अमीन रमाकांत सरोज सिरसा चौराहे के आगे गुठवा गाँव के पास पहुंचे, तभी एक बाइक पर सवार तीन नकाबपोश बदमाशों ने अमीन रमाकांत सरोज के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। बाइक सवार बदमाशों की गोली अमीन रमाकांत सरोज के दाहिने हाथ के पास कंधे के नीचे लगी है। गोली लगते ही अमीन रमाकांत सरोज जमीन पर गिर पड़ा। दिन दहाड़े हुई गोलीकांड से इलाके में सनसनी फैल गई है। शुक्रवार की दोपहर हुई दिन दहाड़े गोलीकांड से इलाके में सनसनी फैल गई है। गोलीकांड की सूचना मिलते ही सराय ममरे थाना प्रभारी तरुण त्रिपाठी और तहसीलदार आकांक्षा मिश्रा मौके पर पहुंची। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से घायल अमीन को हड़िया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया है, जहां चिकित्सकों ने घायल अमीन को जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। भदोही जिले के पुलिस कप्तान डॉक्टर अनिल कुमार के कुशल दिशा निर्देश पर जनपद में महिलाओं के साथ हो रही आपराधिक घटनाओं में न्याय दिलाने के मामले में भदोही पुलिस को पूरे प्रदेश में नंबर वन स्थान हासिल हुआ है। गुरुवार को राजधानी लखनऊ में महिला अपराध से जुड़े मामलों की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भदोही पुलिस की तारीफ की है और भदोही पुलिस पूरे प्रदेश में नंबर वन स्थान पर पहुंच गई है। बताया जा रहा है कि भदोही जिले में 7 नवंबर से 27 फरवरी तक महिला अपराध से जुड़े कुल 221 मामले सामने आए थे, जिनमें सभी मामलों का भदोही पुलिस ने निस्तारण करते हुए फाइनल रिपोर्ट दे दी थी। इसके चलते महिला अपराध से जुड़े मामलों के निस्तारण के मामले में भदोही पुलिस पूरे प्रदेश में नंबर वन स्थान पर पहुंच गई है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने कहा कि जनपद में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम किया जा रहा है। महिला अपराधों को लेकर तमाम जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं और महिला अपराध से जुड़े मामलों को गंभीरता से लेते हुए त्वरित निस्तारण का प्रयास किया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ की सराहना से भदोही पुलिस के जवानों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। ISSO पोर्टल पे दूसरी जो रैंकिंग है उसमें महिला अपराधों में जो कार्रवाई है उसमें भदोही जनपद पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें हमारी जो रणनीति रही, जो महिला संबंधी अपराध होते हैं उनका त्वरित संज्ञान लेते हुए उनमें कार्रवाई करना, अपराध पंजीकरण से लेके और चार्जशीट फाइल होने तक पुलिस ने इसमें त्वरित कार्रवाई की और संवेदनशील तरीके से कार्रवाई की। और इसके अलावा माननीय न्यायालय में भी प्रभावी पैरवी करके जो महिला अपराध से संबंधित मुकदमे हैं उसमें त्वरित और प्रभावी सजा भदोही पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय में पैरवी करके सुनिश्चित कराया गया है। इन सभी प्रयासों का समेकित नतीजा है कि भदोही को पूरे प्रदेश में प्रथम रैंकिंग प्राप्त हुई। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी की बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।